Guys, welcome back. Let's start with our next chapter, revision, probability. Very important chapter, probability at all level. So probability chapter के सारे formulas, सारे concepts, सब कुछ इसी video में cover हो जाएगा, जैसे हमने बाकी सारे chapters के videos complete कर लिए। और इस तरीके के revision videos अगर आपको helpful हो रहे सही में, तो channel को subscribe करना मत भूलना। So let's start. Probability. क्या definition है probability की? तो if an experiment has n finite mutually exclusive equally likely or exhaustive cases out of which m are favorable to the happening of the event, they the probability generated by p of n defined as. So definitions kabhi biading mein jana nahi, simple bolna ye hai probability is what. Probability is probability upon find out kar a particular event, say that event is called as a, let a be the event. So probability uski tab aayegi jab tum n of a ko उस इवेंट्स के आने वाले एक्सपेक्टेड आउटपुट को डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम से करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली एन परसेंटेज नंबर व्हिच गिव्स यू प्रोपोर्शन कि आउट ऑफ टोटल हाउ मच इज आर अपना इवेंट का आंसर। सो पी ऑफ ए इज नथिंग बट एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज प्रायोरी डेफिनेशंस बिकॉज वी हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द इवेंट्स इन द एक्सपेरिमेंट। जो सारे इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उनका आने वाला एक्सपेक्टेड आउटकम वी कैन डिसाइडेड इन प्रायर। सो सच एक्सपेरिमेंट्स और इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी निकलता है, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एज प्रायोरी डेफिनेशंस। मूविंग इट, टर्म प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू एन इवेंट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन और कंटिंजेंट। सो कोई पर्टिकुलर चीज होएगी नहीं होगी वी आर नॉट श्योर, सो दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी कि कितना कंटिंजेंसी है, कितना चांसेस है कि पर्टिकुलर चीज हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी सिंपल टर्म से बोलेगा तो नंबर ऑफ चांस। आगे इसको और डिटेल में समझना है तो यहाँ पे कुछ नंबर बनाए, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट यानी समझो इवेंट विच प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स। एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस करना, व्हाट इज सैंपल स्पेस, एच कॉमा टी, हेड आएगा या तो टेल आएगा कॉइन को टॉस करने के बाद, दिस इज सैंपल स्पेस। टॉसिंग अ कॉइन के बाद टॉसिंग अ टू कॉइंस, सो टॉसिंग अ टू कॉइंस मतलब दो हेड आएंगे दो टेल आएंगे, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड आ सकता। So when a coin is tossed, H comma T. When two coins are tossed, HH, HT, TH and TT. Now understood. अब तीन चार पांच छह कॉइन टॉस करेंगे तो इतना सब थोड़ी ना लिख के रखेंगे। सो कॉइन हैज टू साइड्स, सो व्हेन कॉइन इज टॉस अ टाइम सिंगल टाइम, सो टू रेस टू वन, टू रेस टू वन दैट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ आउटकम एज अ टू। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, तो अगेन कॉइन हैज टू साइड्स, टू साइड्स एंड टू टाइम्स टॉस, दैट्स व्हाई पावर टू, तो गिव्स यू आंसर एज अ फोर। सो बिना कुछ सोचे सीधा मुझे एन ऑफ एस बता सकते हो, इफ थ्री कॉइंस आर टॉस्ड थ्री, सो गिव्स मी आंसर एज अ टू क्यूब दैट इज एट। फोर कॉइंस ऑफ टॉस टू रेस टू फोर गिव्स यू आंसर एज व्हाट सिक्सटीन, सो एंड एंड सो फोर्थ। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉइंस का सैंपल स्पेस। मूविंग अहेड विद अ न्यू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, से अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस आर द नंबर जो डाइस पे आते हैं। सो व्हाट अबाउट टू डाइस आर थ्रोन, तो डाइस हैज सिक्स साइड्स एंड टू डाइस आर थ्रोन, तो सिक्स स्क्वायर विच गिव्स यू 36। Then three dice, then six cube, which gives you answer as a 216. Okay, ये smart technique quickly find out करना बहुत जरूरी है, because MCQ pattern exam है अपने को, so अपने को sample space निकालने में या ये इस तरीके से लिखते बैठने में बिल्कुल time waste नहीं करना है। So number में भी are interested और number इस तरीके से direct लिखना आना चाहिए। What about if a card is drawn? So there are how many total number of cards? 52 cards. So from well shuffled pack of 52 cards, if you have drawn one card, so that is the answer is 52. Now this 52 is about 52 C1. How this 52 is computed? 52 C1. But out of 52, you have selected one card. Then what about if you have selected two cards? Then 52 C2, 52 C2, so on and so forth. If four cards are drawn, then 52 C4. This is our sample space of cards for the question to be find out. Now, cards वाला variety इतना important बन जाता है कि majority probability के question you can correlate with cards वाला question. अगर तुम cards वाले question को अच्छे से solve कर पाते हो तो तुम कोई और questions को भी आराम से कर पाओगे. So ये बस experiment अपन क्या होते हैं discuss कर रहा हूँ, मैं अलग अलग example लेके. Now, what is random experiment? So experiment which is performed randomly is called as random experiment. Experiment which का आने वाला outcome is vary every time is called as random variable. So, जो वन और मोर रिजल्ट देते हैं बार बार ट्रायल करने के बाद उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलो। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस मींस ऑल पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस मींस ऑल पॉसिबल आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज वन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का निकालने के एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस लिखेंगे तो आंसर तो वही आएगा।
Event means what? Event is outcome of experiment that is subset of sample space. So if I am saying ki dice is thrown, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the sample space. But I am saying ki dice is thrown and I want even number, then that is to be called as event. If I want odd number, that is to be called as event. A coin is tossed and I want head, then head milna is called as event. So event is a subset of sample space. Types of event: simple event, compound event, sure event, impossible events, independent events. Okay. Then independent event, yani occurrence or non-occurrence of one does not affect to another. Independent event jab hai, to unki probability kuch is tarike se find out ki jayengi. So independent probabilities, independent event ke liye humne laya hai multiplication theorem. So probability of intersection B, intersection, the word intersection means and means multiplication. The word union means apan bola karte or, and English wala or means mathematics wala addition. ये चीजें हमेशा क्लिक होनी चाहिए तुम लोग को, ये सारा सिखाने से हमने बात कर दिया. सो एंड इज देयर, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज हियर. ए एंड बी एंड सी, इंटरसेक्शन इज देयर, दैट्स व्हाई अगेन मल्टीप्लिकेशन इज हियर. सो दिस इज द, दीस आर द फॉर्मूलास इन केस यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी. सो व्हेनेवर यू यूज्ड एंड द वर्ड इन इंग्लिश एंड और उसमें प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी मर्ज कर रहे हो, तब जाके तुम लोग ने मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. मतलब फाइंड आउट ए प्रोबेबिलिटी सेपरेटली, बी प्रोबेबिलिटी सेपरेटली, एंड सिंपली मल्टीप्लाइड बाय बोथ द आंसर एंड यू विल गेटिंग द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. नाउ व्हाट इज द मीन बाय डिपेंडेंट इवेंट? इफ बी इज डिपेंड ऑन ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज ए इनटू बी इज गिवन दैट ए. दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद करो. सो ए इंटरसेक्शन बी के केस में मैंने भी वही करना है. इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे एंड बोल के मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया. ए की प्रोबेबिलिटी सेपरेट, बी की प्रोबेबिलिटी सेपरेट. बट गिवन दैट इट इज ए, द रीजन इज बी इज डिपेंड ऑन ए. सो बी होने के पीछे कारण है कि पहले ए हुआ है. दैट्स व्हाई गिवन दैट इट इज ए बोल के अपने को लिखना है. एंड उसका फॉर्मूला सेपरेटली गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यही फॉर्मूला है जो फिर से यहाँ पे रिवर्स करके लिखा हुआ है. इफ ए इज डिपेंड ऑन बी, इफ ए डिपेंड करता है बी पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डिपेंड है ना बी पे, तो दैट्स व्हाई ए गिवन दैट इट इज अ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज देयर? बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज हुआ है. एंड सेम फॉर्मूला इसको रिवर्स करते हुए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या? एक्सक्लूसिव, सो एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव, द वर्ड एग्जॉस्टिव मतलब जो सारे समा लेता है. सो एग्जॉस्टिव का बात चलेगा तो दोनों ऐसे दो इवेंट जिनको मिक्स मर्ज करने के बाद सैंपल स्पेस आंसर आ जाता है, सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव. ओके, एक्सक्लूसिव मतलब क्या? द वर्ड एक्सक्लूसिव मीन्स वो वही है, उसके अलावा और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई नहीं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन ए एंड बी आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव, जब ए बी के जैसा नहीं और बी ए के जैसा नहीं. मतलब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है. सो व्हेन ए एंड बी में कोई कॉमन नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो तब नल सेट है, कोई कॉमन नहीं, मतलब नल सेट आंसर आता है. सो व्हेन इंटरसेक्शन गिव्स यू जीरो आंसर, देन टू बी कॉल्ड एज दैट टू इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और एग्जॉस्टिव मतलब मैंने क्या बोला, दोनों को मर्ज कर दूं, यूनियन कर लूं दोनों का, दोनों को इंक्लूड कर लूं, तो सैंपल स्पेस आंसर जाएगा, तो जाके तुम उन दो इवेंट को क्या बोल सकते हो? एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट. आगे व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट्स? दो इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट तब बोले जाते हैं जब दोनों का आंसर सेम आ जाता है. तीन इवेंट्स को इक्वली लाइकली तब बोले जाते हैं जब तीनों का आंसर सेम आ जाता है. सो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तीनों का क्या कहलाएंगे? सो तीन के टाइम पे वन थर्ड, टू के टाइम पे वन बाय टू. दिस इज इन द केस ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स. Then what about in the case of fourth event? So fourth event, this will be one fourth, one fourth, one fourth, one fourth. कोई और दूसरी value नहीं है जो इन तीनों को या इन दोनों को या इन चारों को equal कराएंगी. So हमेशा इस proportion में value रखने का है. Complementary event means event which are opposite to one another. Suppose I want an event कि after a coin is tossed, I wish कि I want to getting head. Getting head is a probability. Getting it is an event. Event of what? Event of success, I can say. But opposite to that event, अगर मैं succeed नहीं हो पाया, मतलब मुझे मेरा head नहीं मिला, मतलब मुझे क्या मिला रहेगा? Tail मिला रहेगा. तो getting tail is called as complementary event. तो complementary event are opposite. So मुझे समझो dice throw किया है और अपने को even number मिलने चाहिए 2, 4, 6. So 2, 4, 6 के अलावा बाकी कोई भी मिलना is called as complementary of that event. And event and its complementary are always mutually exclusive and exhaustive to each other. Because union, एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री में कोई कॉमन नहीं होता है, और एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जब मर्ज करता है तो सैंपल स्पेस भी क्रिएट होता है. सो कॉमन नहीं है, सैंपल स्पेस भी बन जाता है. इसका मतलब ये दोनों, मतलब इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव.
that's it. Then moving ahead with the probability ka chapter ka main formula, probability of event is equal to what? N of A upon N of S. Koi bhi event ki probability kaise aani hai? N of A upon N of S. And probability is always as between 0 to 1. Probability never be negative. Sum of all probability is equal to 1 and it never exceeds by 1. ये कुछ रिले रूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो मालूम होनी चाहिए जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड तुम लोगों का एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ जाएंगे. प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 टू 1 के बीच में लाइज करती है. प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 में लाइज करती है मतलब ये निगेटिव हो सकती नहीं है. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हमेशा बोला है मैंने चैप्टर सिखाते समय 11 से बोलते आ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर में यही चार चीजें याद रखो बाकी एंटायर चैप्टर भी नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा. इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट. मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटरसेक्शन, एडिशन मतलब यूनियन. सो एडिशन थ्योरम तब यूज होता है. एडिशन ये वर्ड ही थ्योरम को इसके लिए लगाया गया है बिकॉज प्लस करने वाले अपन क्या करने वाले हैं प्लस. सो चेकआउट कर सकते हो एडिशनल थ्योरम में प्लस होता है. पी ऑफ ए दो इवेंट्स के बीच में एडिशन मतलब इट इज कॉल्ड एडिशनल थ्योरम एंड विच इज यूनाइटेड बाय यू. यू फॉर व्हाट? यूनियन. सो ए यू बी इज यूनियन, ए यूनियन बी. सो यहाँ पे लिखा हुआ यूनियन मतलब और मतलब भी क्या प्लस और मतलब भी प्लस. इफ इवेंट्स आर नॉट एक्सक्लूसिव तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी जस्ट लाइक एन दोनों इवेंट को एड करो. बट जबकि वो एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है. सो ए एक्सक्लूसिव है इसका मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं, बट नॉट एक्सक्लूसिव मतलब उसमें कुछ तो कॉमन है. सो इफ देयर इज एनी कॉमन एलिमेंट तो दैट हैज टू बी सबट्रैक्टेड, अदरवाइज वो डबल हो जाएंगे. सो इस अगर टेबल से समझ पा रहे हो तो इस ग्राफ से समझ लो अच्छे से. ये जो एरिया बैठा है वो दो टाइम, जब मैंने ए की प्रोबेबिलिटी ऐड की तभी भी आ गया, जब मैंने बी की प्रोबेबिलिटी ऐड की तभी भी आ गया. सो दैट इज टू टाइम्स. सो दो टाइम वो डबल काउंटिंग में आ गया, एडिशन में तुम्हारा आंसर डबल हो चुका है. तो उसको सब्सट्रैक्ट करना एक बार बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही बार चाहिए, डबल नहीं चाहिए. सो एक बार माइनस कर दे इंटरसेक्शन बी. सो दिस इज एन फॉर्मूला. ये सारे लॉजिक के साथ हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये रिवीजन सेशन चल रहे तो सब कुछ याद रहना चाहिए. सेम इन द केस ऑफ थ्री इवेंट्स, तीन इवेंट के केस में एडिशन थ्योरम कैसे आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा. तीनों को ऐड कर दो, पी ऑफ ए सेपरेट, पी ऑफ बी सेपरेट, पी ऑफ सी सेपरेट, और सबके माइनस कर दो इंटरसेक्शन. सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस. लेकिन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अलग से तीनों का व्हाट? इंटरसेक्शन. मल्टीप्लीकेशन रूल. मल्टीप्लीकेशन रूल कब लगना है बोलो? मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए अपन इंटरसेक्शन वर्ड यूज करते हैं. इंटरसेक्शन मतलब एंड, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो व्हेन टू इवेंट्स का इंटरसेक्शन पता करना है, व्हेन टू इवेंट्स का एंड है तो मतलब दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन पता करना है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाना है, सो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. अगर ए है और बी का कॉम्प्लीमेंट्री तो सेम ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्री में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा. सिंपल इट इज. ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक्जैक्टली वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली वन इवेंट. सो एक्जैक्ट वन मतलब एक ही होना चाहिए तुम्हारे साथ, दोनों में से कोई भी एक ही होना चाहिए. तो अगेन एडिशन थ्योरम विल बी अप्लाई मतलब ऐड कर रहे हैं. सो ए होना चाहिए मतलब बी नहीं चाहिए, और बी होना चाहिए मतलब ए नहीं चाहिए. सो दिस इज हाउ दिस हैज टू बी रिटन. जब क्वेश्चन इंग्लिश में तुम लोग से बात कर रहा है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एक्जैक्टली वन इवेंट, एक्जैक्टली वन जब ऐसा वर्ड यूज हुआ है या ओनली वन इवेंट का आंसर जब मांगा है, सो तुम लोग ने ये दो चीजों को ऐड करके लिखना है. सिर्फ ए और सिर्फ बी ऐड करके नहीं चलेगा. वी हैव टू कंसीडर ऑन अदर साइड कि ए लेना है मतलब बी नहीं चाहिए और बी लेना है मतलब ए नहीं चाहिए. जब जब व्हेन यू वांट ओनली, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओनली वन ना. सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, ए चाहिए तो बी नहीं चाहिए और बी चाहिए तो ए नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई ए चाहिए तो बी नहीं चाहिए मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी चाहिए तभी ए नहीं चाहिए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट साथ में लेना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, एटलीस्ट वन जब ऐसे वर्ड यूज हो जाएंगे तब जाके तुम लोग ने ये वाला काम करना है. सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बचेगा. सो एटलीस्ट वन का मतलब ही ए यूनियन बी. मैंने ऐसा बोला कि जब जब एटलीस्ट वन ये वर्ड आएगा सो यू हैव टू गो फॉर एडिशन थ्योरम. तुमने एडिशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करना. एडिशन थ्योरम इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो ए यूनियन बी अगर डायरेक्टली निकालना इज इम्पॉसिबल, देन गो फॉर दिस वाला फॉर्मूला कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, बिकॉज एज वी आर अवेयर दैट प्रोबेबिलिटी का एडिशन इज वन. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इनमें दुनिया समा गई, इसके सारे अपोजिट इसमें आ गए तो बोलो दोनों की टोटल क्या हो जाएंगी? वन हो जाएगी ना. सो मैंने ए यूनियन बी जानना है, सो ये इधर का प्लस वहां पे जाके क्या करते हैं? माइनस. दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्मूला हियर, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सारे कंसेप्ट याद आने चाहिए सब कुछ. प्रोबेबिलिटी
क्वेश्चंस ऑन थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर तीन इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं सेम टू सेम, एक्जैक्टली वन, एक्जैक्टली टू और एटलीस्ट वन, सेम टू सेम चीजें, बस साथ में सी 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 लिखना शुरू किया है, आराम से देख लेना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऊपर ही बोल दिया था हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज एन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस कैसे पढ़ना है इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इट इज ए. ओके, कैसे पढ़ना है इस चीज को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट इट इज ए एंड बी. सो दैट्स इट, ये जस्ट नोटेशन है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, हमने इसको शॉर्टकट की तौर पे बोला हुआ है, इसको बोला करो टू डैश, टू डैश, टू डैश इज एन, टू डैश इज एन मेमोरी टेक्निक कि अपन डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखें. सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी सिंगल डैश है, सिंगल डैश तो डी मॉर्गन लॉ लगा के वो डबल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ए को छुट्टा डैश, बी को छुट्टा डैश, मतलब ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का साइन चेंज हुआ है. यहाँ पे साइन हैज बीन चेंज, क्या साइन यूज हो रहा है, इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन हो चुका है और सिंगल डैश किस में कन्वर्ट हो गया है, तुम्हारे डबल डैश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. सो इसके लिए हमने मेमोरी टेक्निक बना था कि डी मॉर्गन, डी डी फॉर डैश, कितने डैश, दो डैश, तो सिंगल डैश को दो डैश में कन्वर्ट करने वाला लॉ इज डी मॉर्गन लॉ, डैश बार साइन चेंज, डैश को बाहर लेके आओ और साइन क्या करो, चेंज कर दो. सो तुम इसको वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हो. आगे कुछ अदर फॉर्मूलास, कुछ अदर फॉर्मूला, जैसे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है, यूनियन मतलब एडिशन है, तो ए का और बी का कॉम्प्लीमेंट का एडिशन होएगा, बट दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन एलिमेंट माइनस कर देना है. ए कॉम्प्लीमेंट और बी में अगेन यूनियन हो रहा है तो दोनों को छुट्टा ऐड कर देना, दोनों में कुछ कॉमन है तो माइनस कर देना है. ए माइनस बी, इसका मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, सो ए गिवन दैट इट इज नॉट बी, सो ए के साथ बी नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सो ए के सारे एलिमेंट बट उसमें से बी के सब कॉमन वाले एलिमेंट हटाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, मतलब बी चाहिए लेकिन ए के साथ जो कॉमन है वो नहीं चाहिए, तो बी चाहिए लेकिन बी के ए के साथ जो कॉमन है एलिमेंट नहीं चाहिए. सो दैट इज, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज जो अपने को डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है फाइंड आउट करने के लिए, तो ये फॉर्मुलाज याद होने बहुत जरूरी है, तो बार बार सुनना, फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे, अलग से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन बाइस थ्योरम क्या है, बाइस थ्योरम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर बना नहीं है और इसमें अगर इस टाइम पे बाइस थ्योरम नहीं आ रहा तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो सिंपली यू कैन इग्नोर द बाइस थ्योरम. मूविंग अहेड, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ये वर्ड्स वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएंगे, सिंपल है ये. क्या लिखा हुआ है अच्छे से गौर फरमाना, फेवर इज टू अगेंस्ट, जब ऑड्स इन फेवर ऐसी लाइन यूज हुई है, सो जो पहला नंबर होता है वो फेवर्ड होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो अगेंस्ट होता है. सो एक्स इज टू वाई लिखा हुआ है, सो एक्स इज अ फेवर्ड नंबर वेयर एज वाई इज अगेंस्ट नंबर, एंड जब तुम लोगों को ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट बोला है तो पहला वाला इवेंट फेवर और दूसरा वाला इवेंट अगेंस्ट, सो एक्स इज टू वाई, एक्स इज इन फेवर टू अगेंस्ट ऑफ व्हाट वाई. सो क्या डिफरेंस है दोनों में, सो चेक कर लेना, P of A is equal to x upon x plus y हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा x plus y रहना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, x plus y रिमेन सेम, बट जहां पे ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट मांगा है तो यहाँ पे पहला वाला नंबर यूज करना है क्योंकि पहला वाला नंबर इज एन x, विच इज एन फेवर वाला नंबर, एंड ऑड्स अगेंस्ट बोला है, सो हमने क्या बोला है, सेकंड वाला नंबर अगेंस्ट का देता है, तो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट मतलब ऑड वाला नंबर ऊपर रख के तुमने क्या करना है, सॉल्व. So, जब प्रोपोर्शन इज प्रोवाइडेड, फर्स्ट नंबर इज फेवर एंड सेकंड नंबर इज अगेंस्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर यू वांट, सो फर्स्ट नंबर प्रोपोर्शन का फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय प्रोपोर्शन की टोटल, इफ अगेंस्ट वाली प्रोबेबिलिटी वांट ऑड्स के केस में, सो ऑड्स के केस में अगेंस्ट वाला चाहिए तो प्रोपोर्शन का सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय दोनों की टोटल. दिस इज, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने, हमने सॉल्व भी किया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी के ये चैप्टर्स और ये कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इतने बार बार सुनो, और ये जो हैंड रिटन समरी बनाई है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, जो अदर देन मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी है, सो अच्छे से इसको रीड करो. इतने ही पीडीएफ पे तुम्हारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पीछे दिए हुए सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, प्रोबेबिलिटी की सारी दिक्कत निकल जाएंगी. सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.